अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। और जैसे आप देख सकते हो, आज मैं ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को। और तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मैंने मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है, मुझे आदत है इसकी आदत। जी मैं ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ आज सिद्धार्थ शुक्ला को। इसको आज जो है पूरा एक साल हो चुका है, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं इसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इससे। बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद था, पसंद है और शायद रहेगा। बस वजह यही है कि मैं आज तक नहीं भूली, और मैं जो है बताना चाहती हूँ इसकी मदर के लिए और इसकी फैमिली के लिए, और स्पेशली शहनाज़ गिल सना के लिए। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कभी कभार, बस मैं क्या बोलूँ, मेरे तो अल्फाज ही साथ नहीं दे रहे हैं। वी मिस यू सिद्धार्थ शुक्ला, वी मिस यू सिद्धार्थ शुक्ला। बहकी हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। और बस यकीन नहीं आया था, 2 सितंबर और 2021 को इसकी डेथ हुई थी, सुबह हुई थी, और कॉज जो बताई जा रही है वो है हार्ट अटैक। तो मैं जब सो के उठी और मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने अपना मोबाइल से मोबाइल उठाया और नेट ऑन किया, तो मुझे जो है भतीजी का मैसेज आया हुआ था कि डेथ हो गई है सिद्धार्थ शुक्ला की। आई वॉज शॉक्ड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो गया, दिमाग ठीक है? क्योंकि शायद मेरी ज़िंदगी में टेलीविज़न से रिलेटेड मैंने कभी भी किसी को इतना पसंद नहीं किया जितना मैं इसको करती थी। और ये स्पेशल हुआ था, मेरी जो लाइकिंग इससे बढ़ी थी वो बढ़ी थी बिग बॉस 13। ये जनाब बिग बॉस 13 का विनर रह चुका है, और आप लोगों को अगर इसके बारे में जानना है और मेरी तरह इसका दीवाना बनना है तो आप लोगों को बिग बॉस 13 देखना पड़ेगा, जिसमें वाकई ये डिज़र्व करता था और इसने वाकई जीता। अफसोस के ये ज़्यादा जी नहीं पाया। और आप देखें यहाँ पर जिस दिन इसकी डेथ हुई थी तो शहनाज़ गिल का यह हाल था, सना का, बस चला गया जल्दी हमें छोड़ के, शायद इतने ही लिखवा कर आया होगा। आप लोगों, बस मैं क्या बोलूं, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। तो सना का हाल आप देख सकते हो, अभी वो अपने आप को संभाल चुकी है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं कला है, क्योंकि वो इतनी अटैच हो गई थी सिद्धार्थ से कि सिडनाज इनका जो है हैशटैग बन चुका था, हैशटैग ही स्टार्ट इन्होंने किया था सिडनाज। तो जो इसको पसंद करने वाले हैं उनको ये डेट याद होगी, ये दिन याद होगा और भूले नहीं होंगे। वीडियो को मैं कैसे बोलूँ, लाइक करें, क्योंकि क्या बोलूँ, ये इसके लास्ट जो इन लोगों के नॉन मुस्लिम के हिंदुओं के जलाने के होते हैं वो हो रहा है, और अब हो चुका है, सब जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ, वी मिस्ड यू सो मच। हम आपको वापस नहीं ला सकते क्योंकि आप ऐसी जगह गए हो कि आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारे दिलों में ज़िंदा हो और ज़िंदा रहोगे। मैं आपको ये ट्रिब्यूट इसीलिए पेश कर रही हूँ कि आप इसको डिज़र्व करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग। ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि बीबी 13 देखो, अगर आपको इस बंदे से इश्क ना हो जाए तो आप आके मुझे बताना कि क्या था उसमें जो केटी तो इतनी दीवानी हो रही थी। बंदा जीदार था और बहुत शेर जिसको कहते हैं ना, भाग भाग तेरा बाप पाया, शेर बन के खेला और शेर बन के जिया, शेर बन के जीता और शेर बन के ही हमसे बिछड़ गया, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा। आदत पड़ चुकी है, जैसे एक आदत होती है ना कि अगर ये ना दिखे तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ है मेरी बात सुनो, अगर मैं पोजेसिव हूँ तेरे को लेकर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी है, तो ये मेरी फीलिंग है ना।
यहाँ दर्द होती है जब तू बात नहीं करता। तू मेरा है ठीक है, और तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मैंने मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है, मुझे आदत है इसकी आदत। बस मैं क्या बोलूं, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहले पहली बार आया, ओ यारा। एक नुसरत फ़तेह अली का सॉन्ग याद आ रहा है, सना तुम्हारे लिए। इस तो ज़्यादा दुख ना कोई, इस तो ज़्यादा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दुआओं में सबको एक दूसरे को याद रखिए। वक्त ज़्यादा नहीं होता, हमें नहीं पता किसकी ज़िंदगी कितनी है। जैसे सिद्धार्थ अचानक हमसे बिछड़ गया, ऐसे कभी कभी क्या सबका वक्त आएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।